नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस एपिसोड में हम उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो एमसीयू या फिर मार्वल के कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर चुके हैं या फिर कैप्टन अमेरिका रह चुके हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कैप्टन अमेरिका का सबसे बड़ा फैन भी, इतना कि वो फैन होने की सारी लिमिट तोड़ देता है और खुद ही कैप्टन अमेरिका बन जाता है। तो विलियम बर्नसाइड वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पैदा होने के कारण बचपन से ही कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन होता है। वो कैप्टन को सब कुछ मानने लगता है, वो अपना लाइफ और करियर दोनों ही कैप्टन के नाम कर देता है। और 1950s के एक दिन जब वो जर्मनी में अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहा होता है तब बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन उसके हाथ लगती है, जिसमें कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी और सुपर सोल्जर सीरम का लिखा होता है। अब इतनी नायाब चीज हाथ लगने के बाद कोई भी इंसान बौखला जाएगा, तो फिर विलियम बर्नसाइड क्या चीज है? तो विलियम बर्नसाइड गवर्नमेंट के साथ ये सीक्रेट ट्रेड करने की सोचता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि गवर्नमेंट उसे कैप्टन अमेरिका बना दे। और हमारे मार्वल कॉमिक्स की लालची गवर्नमेंट मान भी जाती है, लेकिन जब इवेंचुअली उसे कैप्टन की पोस्ट से हटाया जाता है तब वो पागल होने की सारी हदें क्रॉस करता है और खुद को स्टीव रोजर्स का नाम देकर खुद की प्लास्टिक सर्जरी कराता है, जिससे कि वो स्टीव रोजर्स जैसे दिखने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि उसने सारे बुरे काम किए हैं। जब वो कैप्टन अमेरिका था तब उसने कई एंटी टेररिस्ट मिशंस परफॉर्म किए, लेकिन सीरम उस पे हावी होता गया और किसी जाने पहचाने शख्स की तरह वो भी सीरम के हाथों विलन बन गया। नेक्स्ट आता है, या कह सकते हो आती है, समंथा विल्सन। अब आपको ये शायद पता नहीं होगा, लेकिन समंथा विल्सन एक्चुअली सैम विल्सन खुद ही है, जो कि एक अल्टरनेट अर्थ से है। ये सैम विल्सन एक स्टूडेंट होता है जिसे वर्ल्ड वॉर टू के वक्त सोल्जर बना दिया जाता है और प्रोजेक्ट रिबर्थ के चलते इसे इंक्लूड किया जाता है, जिसे और कोई नहीं बल्कि पेगी कार्टर अप्रोच करती है। अब समंथा जब कैप्टन अमेरिका बनी तब इसने भी ओरिजिनल स्टीव रोजर्स की तरह रेड स्कल, हाइड्रा, जोला और जीमो के साथ लड़ाई की। फिर नेक्स्ट आता है फ्रैंक कासल, जिसे हम पनिशर के नाम से भी जानते हैं। पनिशर मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि वो कभी भी अपने मकसद से नहीं भटकता। तो इसी को देखते हुए मार्वल के व्हाट इफ के एक एपिसोड में फ्रैंक कासल को कैप्टन अमेरिका का रोल दिया गया, लेकिन ये व्हाट इफ का एपिसोड होने की वजह से ये बस कुछ ही समय के लिए था। नेक्स्ट आता है फैल्कन इन द विंटर सोल्जर का सो कॉल्ड परफेक्ट सोल्जर, जिसे वैसे भी कोई मानता नहीं है, लेकिन फिर भी। तो जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका का एक वेल नोन रिप्लेसमेंट है, जिसे फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के इस सीरीज में भी दिखाया गया है, जिसकी वैसे तो बैक स्टोरी बताने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देख लिया है, तो इसे मैं डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और वैसे भी मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मार्वल का फ्यूचर है, यानी कि वो मार्वल के फ्यूचर यूनिवर्स में से है, जिसका नाम है शैरन रॉजर्स। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये हमारे कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर की बेटी है, जो इवेंचुअली अपने पेरेंट्स के रिटायरमेंट के बाद कैप्टन अमेरिका का मेंटल लेती है। अब इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका आइस में दफन नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने लव ऑफ दी लाइफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है और एक अच्छी खासी सुपर हीरो बनने लायक बेटी पैदा करता है। अब अपने पेरेंट्स के रिटायरमेंट के बाद शैरन शील्ड के कई सारे मिशंस को परफॉर्म करती है और इसके पास एक फ्यूचरिस्टिक सेट ऑफ आर्मर भी है जो स्टीव रॉजर्स के आइकॉनिक यूनिफॉर्म से इंस्पायर्ड होता है। उसके आर्मर के साथ उसके पास एक एंटायरली यूनिक शील्ड भी होती है और उसे ये शील्ड कोई और नहीं बल्कि हमारे लव यू 3000 वाले टोनी स्टार्क गिफ्ट करते हैं। फिर आती है पेगी कार्टर। अब ये कोई उतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्टीव रॉजर्स की पत्नी और शैरन की माँ व्हाट इफ के आने वाले एपिसोड में एज ए कैप्टन अमेरिका दिखने वाली है, लेकिन ये स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग है क्योंकि इस स्टोरी लाइन में स्टीव रॉजर्स और डॉक्टर अर्सकैन के मौत के बाद हॉवर्ड स्टार्क पेगी कार्टर को इस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए कन्विंस करता है, जिसकी वजह से पेगी कार्टर इस यूनिवर्स की कैप्टन अमेरिका बन जाती है। आशा करते हैं कि हमारे ये जो व्हाट इफ वाला एपिसोड है वो बाकी की इन्हीं टीवी सीरीज की तरह हमें एक अलग लेवल का एंजॉयमेंट दे। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी पसंद आती हो या फिर ना पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, फर्क नहीं पड़ता, बस कमेंट करना मत भूलना। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जिसने कैप्टन का मेंटल लिया है वो है स्कॉट समर्स। हाँ, वही एक्समैन वाला स्कॉट समर्स को हम लोग साइक्लॉप्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि आगे जाके एक्समैन का लीडर भी बनता है। अब स्कॉट समर्स देखा जाए तो वैसे तो अच्छा आदमी है, लेकिन कभी कभी अपनी हरकतों की वजह से ये काइंड ऑफ जर्क लगता है। अब एक अल्टरनेट यूनिवर्स में एक एक्सीडेंट टेक प्लेस करता है जिसमें स्टीव रॉजर्स, जीन ग्रे और स्कॉट समर्स अपनी पावर्स खो देता है। अब इस एक्सीडेंट में स्टीव रॉजर्स रैपिड एजिंग की वजह से मर जाता है और अपने इसी मरे हुए दोस्त को ऑनर करने के लिए स्कॉट समर्स स्टीव रॉजर्स की शील्ड लेता है।
लेता है और बन जाता है थी नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका, जिसके बाद ये अपने बाकी के एक्समैन दोस्तों को एज अ कैप्टन अमेरिका लीड करता है। लेकिन जब ये कैप्टन अमेरिका होता है तब इसका टाइम कुछ सही नहीं चलता, क्योंकि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के बीच झगड़ा शुरू होता है जिसमें जो सू स्टॉर्म है वो पागल होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसे मार्वल ने 30 सालों से छुपाए रखा था और वो है आइज़ाया ब्रैडली। अब एमसीयू के फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में आइज़ाया ब्रैडली वैसे तो कैप्टन अमेरिका नहीं बनता, लेकिन वो कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका रह चुका है और जिसकी उसे वैसे बहुत ही ज्यादा हैवी प्राइस चुकानी पड़ी है। अब डॉक्टर अर्स्कन के मरने के बाद यूएस गवर्नमेंट अफ्रीकन अमेरिकन बंदों को इस प्रोग्राम के लिए रिक्रूट करती है, जिसमें वो सुपर सीरम के अलग अलग वेरिएंट से उन्हें इंजेक्ट करती है और इन्हीं में से आइज़ाया ब्रैडली एक अकेला जिंदा बचता है जिसपे ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। अब आइज़ाया की पूरी स्टोरी लाइन मैंने इस वाली वीडियो में दे रखी है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है बकी बांस, या कह सकते हो विंटर सोल्जर या फिर व्हाइट वुल्फ, कुछ भी कहो। अब जिनको बकी की ओरिजिन स्टोरी नहीं पता तो उनसे मैं क्या ही कहूँ। बकी स्टीव रॉजर्स का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है और उसका साइडकिक भी, जो उसके हर एक मिशन में उसका साथ देता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के एंडिंग में जैसे सब लोग स्टीव को मरा हुआ समझते हैं, वैसे ही वो लोग बकी को भी मरा हुआ समझते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन से गिरने के बाद सोवियट्स के हाथ लगता है, जहां वो उसे विंटर सोल्जर में बदल देते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड टाइम में जब स्टीव रॉजर्स मर जाता है तब इवेंचुअली बकी को उसका मेंटल दिया जाता है, और जब उसने कैप्टन अमेरिका का मेंटल लिया था तब उसने स्कल्स के सीक्रेट इन्वेजन को रिपेल करने में भी मदद की थी और उसने उस वायरस से भी दुनिया को बचाया जिससे कि आधी ह्यूमन रेस खत्म हो जाती। लेकिन इस स्टोरी लाइन में आगे जाके पता चलता है कि स्टीव रॉजर्स एक्चुअल में मरा नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। जिसके बाद वो और बकी दोनों ही एसगार्ड को डिफेंड करने में मदद करते हैं, और ये सब जो स्टोरी लाइन है वो एक्चुअल में सीज की स्टोरी लाइन है। और आखिर में बकी भी इस टाइटल को नहीं रखता क्योंकि उस पे अपना पास्ट हैवी होने लगता है, जो शायद उसे आगे जाके भी परेशान करता, इसलिए वो ये कैप्टन का मेंटल नहीं रखता। अब जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है वो हमारा न्यू कैप्टन अमेरिका है। अब कॉमिक्स की बात कर लो या एमसीयू की, स्टीव रॉजर्स ने उसके बाद बनने वाले कैप्टन अमेरिका के लिए उसकी सबसे क्लियर चॉइस सैम विल्सन है। स्टीव को पता है कि बकी एक अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान भी, लेकिन उसे ये भी पता है कि सैम विल्सन उससे भी, यानी कि स्टीव रॉजर्स से भी अच्छा कैप्टन अमेरिका बन सकता है। अब सैम विल्सन ने एज ए कैप्टन अमेरिका हाइड्रा और रेड स्कल के साथ मुकाबला किया और इवन आगे जाके एवेंजर्स को भी लीड किया है। अब मे बी ये एमसीयू में भी हो सकता है तो कुछ कह नहीं सकते। अब सैम को नेक्स्ट कैप्टन का चूज करके स्टीव ने कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि सैम विल्सन आगे जाके स्टीव रॉजर्स से भी अच्छा कैप्टन अमेरिका प्रूव होता है, इतना कि वो रेसिज्म के बैरियर को भी तोड़ पाता है। अब भले ही सैम के पास स्टीव की तरह एक्सपीरियंस और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग ना हो, लेकिन कमोन यार, स्टीव भी एक्यूरेट डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि ऐसा अगर होता तो सिविल वॉर ना हुआ होता। एट लास्ट मैं एज अ ऑडियंस बस यही कहना चाहूंगा कि उसे भी अपना दिल जीतने के लिए थोड़ा टाइम देकर देखो। आई एम श्योर एंथनी मैकी आपका भी फेवरेट बन जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।